बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स वेलकम इन बूटस्ट्रैप। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था बूटस्ट्रैप का, और अब टाइम है ये देखने का कि बूटस्ट्रैप को हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे या किस तरह से अपने प्रोजेक्ट के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल को। ये मैंने बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ से हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि उसे किस तरह से प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। अच्छा, जैसे मैं इसे डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, तो इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप को अपने सिस्टम में अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने के लिए कई तरीके का आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे इसे हम या तो डायरेक्ट डाउनलोड करके लोकली अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको CDN के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, CDN दिया हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर NPM पैकेज मैनेजर के थ्रू भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले दो मेथड हैं जिनमें है एक बूटस्ट्रैप CDN के थ्रू, और या फिर उसे लोकली अपने सिस्टम में डाउनलोड करके। पहले हम देखेंगे कि CDN के थ्रू इसे किस तरह से हम यूज़ करेंगे। मैं अपने कोड एडिटर को ओपन करता हूँ। ये मैंने अपना कोड एडिटर ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने सिंपल एक बटन बनाया हुआ है। अभी देखें, मैंने इसके ऊपर कोई बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं की हुई, ना तो CDN के थ्रू ना लोकली डाउनलोड किए हुए। इसको सेव करने के बाद मैं ओपन करता हूँ। ये फाइल मैंने इस फोल्डर में ये फाइल रखी हुई, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखें, इसके ऊपर क्लिक मी ये वाला बटन है जो हमने इस पर बनाया था। जैसा कि क्लिक मी मैं हेयर करता हूँ और सेव करने के बाद इसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखें ये वो बटन है। अभी ये हमें सिंपल ऐसा नज़र आ रहा है। अभी तक इसके ऊपर हमने बूटस्ट्रैप को ना तो CDN के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, ना तो और ना ही इसको हमने लोकली डाउनलोड किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर हम अपने बूटस्ट्रैप के CDN को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो मैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से इसके CDN के लिए आपने इधर जाना है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएं। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको आपने अपने फाइल के हेड टैग में रख देना है। यहाँ पे इसको मैंने रख दिया, और इसके बाद यहाँ से आप वापस अपने बूटस्ट्रैप की इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएँ, और यहाँ से आपने अब ये है ये वाला कोड JS का, इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने अपने कोड में जहाँ पे आपका बॉडी टैग एंड होता है बिल्कुल उसके ठीक ऊपर इस कोड को आपने पेस्ट कर देना है। कर दिया, इसके बाद इस पेज को सेव करते हैं। ये देखिए, अभी तक कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुए, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप की एक क्लास है बटन के लिए, मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो आपको इससे एक मुकम्मल क्लियर हो जाएगा कि बूटस्ट्रैप का CDN यहाँ पर हमारे साथ वर्क कर रहा है। तो मैं बूटस्ट्रैप की क्लास है उसको यूज़ करता हूँ, btn सक्सेस। अब मैंने सेव करने के बाद इसको रीलोड करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ये देखें अब ये कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, मतलब कि ये बूटस्ट्रैप का इफेक्ट दे रहा है। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज़ हो रही है। जैसा कि हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, बूटस्ट्रैप यहाँ पर मैं बटन लिखता हूँ, बटन लिखता हूँ, तो ये देखें ये वाले जो बटन हैं, तो ये देखें ये वाले जो बटन है, हमने यहाँ से ये वाला बटन वहाँ पे बनाया था। देखें, मैं यहाँ से कोई भी कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि ये सारे वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप हम इसका मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप का CDN हमारे पास वर्क कर रहा है। इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो आप ये देखें कि वो बटन्स भी यहाँ पर आ गए हैं बाकी भी। अगर आपने ये वाले CDN यहाँ पे नहीं लगाए होंगे तो बूटस्ट्रैप आपके पास इस तरह से वर्क नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से CDN को हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने सारे CDN हटा दिए, यहाँ से सारे CDN मैंने हटा दिए यहाँ से। तो अब ये देखिए मेरे पास ये ऐसा नज़र आ रहा है। तो अब जैसे मैं इसको सेव करके रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये वर्क नहीं करेंगे। ये देखें, क्योंकि हमने CDN यहाँ से हटा दिया, तो बूटस्ट्रैप अब हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ, हमारी फाइल के साथ कनेक्ट नहीं है। तो ये मेथड था जो हमने देखा CDN के थ्रू। अब हम देखा एक और बात, मैं आपको बता दूं, जब आप CDN को यूज़ करेंगे, आपका कंप्यूटर को उसके साथ इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपने CDN को फाइल में पेस्ट कर दिया है और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो ये वर्क नहीं करेगा। मतलब जब आपने CDN को यूज़ करना है, तो आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम बूटस्ट्रैप को लोकली अपने सिस्टम में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं होम पे आ जाता हूँ, यहाँ से मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड करना है। अब देखें, ये कह रहा है कि हम एक तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास jQuery और popper.js भी होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से jQuery लाजमी आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
तो एक तो मैं पहले इसको सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा ये कुछ केबीज का होगा, ये भी यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि डाउनलोड जे जे क्वेरी को किस तरह से डाउनलोड करना है। मैं जे इसके लिए डाउनलोड करने के लिए जे क्वेरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ हूँ। तो यहाँ से आपने नीचे आके ये जे क्वेरी अनकम्प्रेस्ड डिवेलपमेंट, इसको अनकम्प्रेस्ड विजन, यहाँ पर इसको आपने डाउनलोड करना है। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस तरह से आपके पास ओपन होगा। अगर इस तरह से ओपन होता है तो आपने इस सारे को कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद अपने कोड एडिटर में आ जाएं, ठीक है। वहाँ पे आपने कंट्रोल एन करके नई फाइल ले लेनी है और इसमें इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सेव करना है और मैं इसको सेव करूँगा। यहाँ से आपने अपनी लोकेशन सेट कर लेनी है। मैं इसको सेव करूँगा जे क्वेरी डॉट जे एस, याद रहे कि आपने डॉट जे एस की एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करना है। सेव करने के बाद ये देखें, ये हमारे पास जे क्वेरी एक्सटेंशन हो गई। इसको आप चाहे यहाँ से आप कट कर दें। इसके बाद जो हमने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया था, इसको भी यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। ये है जो हमने इसको यहाँ से, मैं इसको कट करके अपने डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। करूँगा एक्सट्रैक्ट, हेयर पे क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया तो हमारे पास ये फोल्डर आ गया। अब मैं इस इन फाइल्स को, इसके अंदर जो फाइलें, इनको यहाँ से मैं कट करने के बाद ये मेरी फाइल है, यहाँ को, यहाँ इनको मैं इधर पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल करने के बाद मैंने इनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास डाउनलोडेड जे क्वेरी भी, डाउनलोडेड बूटस्ट्रैप भी है और जे क्वेरी भी है, ठीक है। जे क्वेरी को मैं यहाँ से कट करने के बाद जे क्वेरी वाले फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा। और अब देखें, जैसे मैं सी एस एस को ओपन करता हूँ तो कुछ फाइल्स इसके अंदर हैं और कुछ फाइल्स इसके अंदर हैं, ठीक है। अब आपने किस तरह से इसको बूटस्ट्रैप को, जो हमने डाउनलोड किया है, इस वाले बूटस्ट्रैप को अपने उसमें फाइल के साथ अटैच करना है, तो इसके लिए आप अपने फाइल पे वापस आएँ। यहाँ पे आपने हैश टैग के अंदर लिखना है इज इक्वल टू स्टाइल शीट और एच रेफ इज इक्वल टू सी एस एस, कि सी एस एस का जो फोल्डर है जो हमने देखा था कि सी एस एस के फोल्डर में जो हमने डाउनलोड किया था, सी एस एस के फोल्डर में जो बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस, इस वाली फाइल को हमने इस तरह इसके साथ अटैच कर ली है। ये तो हो गया कि अब हमारे सी एस एस अटैच हो गया इसके साथ। अब हमने, और उसके बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल बॉडी टैग के बिल्कुल साथ में आके आपने यहाँ पर लिखना है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने लिखना है एस आर सी इज इक्वल टू जे एस, कि अब जो हमारा जावा स्क्रिप्ट पर जे एस का फोल्डर था उसके अंदर जो जे क्वेरी जो हमने इंस्टॉल की थी, जे क्वेरी डॉट जे एस, इस वाली फाइल को अटैच कर लिया साथ। और उसके बाद ठीक इसके नीचे इनका ऑर्डर आपने चेंज नहीं करना, स्क्रिप्ट एस आर सी इज इक्वल टू जे एस फोल्डर के अंदर बूट स्टैप डॉट मिन डॉट जे एस, इस वाली फाइल को अटैच कर देना है। अब इसको सेव कर लेता हूँ मैं। अब ये काम करने के बाद जो हमारे लोकली जो हमने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया था, वो हमारे सिस्टम के साथ, हमारे प्रोजेक्ट के साथ, हमारी इस फाइल के साथ अटैच हो चुके हैं। अब देखें, जैसे ही मैं इस फाइल को रिलोड करूँगा तो आप देखेंगे इफेक्ट आपके सामने होगा। तो ये देखें, इसका मतलब ये है कि हमारी जो बूटस्ट्रैप है वो सक्सेसफुली जो डाउनलोड करने के बाद हमारे प्रोजेक्ट के साथ इंस्टॉल हो चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे सक्सेस की जगह की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ इन्फो कर देता हूँ, सेव करने के बाद इसको रिलोड करता हूँ तो आप ये देखेंगे, ये देखें यहाँ पे इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बता दूँ, जब आप अपने इसको सिस्टम में लोकली डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहें। अगर आप इंटरनेट के साथ डिस्कनेक्ट हैं तो फिर भी आपकी ने ये जो लोकली डाउनलोड किया है बूटस्ट्रैप को, ये वर्क करेगा। हाँ, लेकिन CDN की सूरत में आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके लिए हमारी आज का ट्यूटोरियल कितना हेल्पफुल रहा। मज़ीद हमारे यूट्यूब बूटस्ट्रैप के मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बने रहेगा, और यूट्यूब पर सर्च करते रहें बूटस्ट्रैप बाय रिजवान ज़फ़र। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।